so many pieces all back together now. What's your vision? स्वागत है आप सभी का जेन्युइन टिप्स पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्यों कि हमारे दादा परदादा के बाल, पहले के जो लोग हैं उनके बाल 60 के बाद सफ़ेद होते थे, जबकि आजकल 15 साल की उम्र में ही सफ़ेद होने लग रहे हैं। तो इसके पीछे का रीज़न है हमारा लाइफस्टाइल, और कई सारे रीज़न हैं, सिर्फ एक रीज़न काफ़ी नहीं है, बहुत सारे रीज़न है, वही हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आप सोचेंगे कि मैं एक ही रीज़न पे वर्क करूंगा तो काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है और आपके कई सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 9 फैक्टर है जिस वजह से कि हमारे बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं। वो है पहला पॉइंट, केमिकली ट्रीटेड फल और सब्जी खाना। सेकंड पॉइंट है अनसीजनल सब्जी खाना। थर्ड पॉइंट है पैक्ड फूड, फिर कोल्ड ड्रिंक्स, फिर पैक्ड फूड जूसेस, ये सब पीना जिस वजह से सफ़ेद बाल हो रहे हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है कम पानी पीना। फिफ्थ पॉइंट है लैक ऑफ न्यूट्रिशन, हम प्रॉपर खाना सही से नहीं खाते, बिजी लाइफ में हम खाना स्किप कर जाते हैं। सिक्स्थ पॉइंट टेंशन, ऐसा नहीं कि पहले के लोग टेंशन नहीं लेते थे, लेकिन आजकल ज़्यादा बिजी लाइफ, ग्रोथ के चक्कर में ज़्यादा टेंशन। सेवेंथ पॉइंट कम सोना, कभी डे शिफ्ट कभी नाइट शिफ्ट, कभी ज़्यादा वर्कलोड की वजह से कभी टेंशन की वजह से, इस वजह से प्रॉपर रेस्ट ना लेना। एट्थ पॉइंट बालों में अननेसेसरी कलरिंग करना, अलग अलग केमिकल्स लगाना। और नाइन्थ पॉइंट हाईली ट्रीटेड, केमिकल ट्रीटेड शैम्पू यूज़ करना बालों को चमकाने के लिए। तो ये सब कई सारे रीज़न है, तो आज हम एक एक पॉइंट पर अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसके साथ उसके पीछे का रीज़न भी जानेंगे। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट में, केमिकली ट्रीटेड फल और सब्जियाँ। तो आप नोट कीजिए कि आप जब मार्केट में सब्जी, जो पपीता खरीदने जाते हैं, जो फल खरीदने जाते हैं, पपीता की बात कर लेते हैं, आपको एकदम पका हुआ पपीता मिलेगा, लेकिन जब आप उसको काटते हैं तो अंदर एक भी बीज नहीं रहेगा। तो आप सोचिए ये कैसे पॉसिबल है, बिना बीज के फल कैसे पक गया, इट मीन्स केमिकल मिलाया गया। फिर बात करते हैं जो केला हम खाते हैं उसको एकदम कच्चा ट्रांसपोर्ट में डाला जाता है और केमिकल मिलाया जाता है, आपके शहर तक मार्केट तक आते आते वो फल पक जाता है, केला एकदम पक के तैयार होता है। फिर बात करते हैं आम, आम नॉर्मली जून महीने में पकना स्टार्ट होता है, लेकिन आपको मार्केट में इजीली मार्च महीने में मिल जाएगा, मार्च अप्रैल महीने में इजीली मिल जाएगा। अब ये कैसे पॉसिबल है कि एकदम मार्च महीने में तो आम पेड़ों में लगना स्टार्ट होता है और ये तो आपको मार्च महीने में पका हुआ आम दे देते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है। बात करें हम सब्जी के बारे में, तो लौकी को देख लीजिए, आपके घर में मम्मी से पूछे जो आज से 10 साल पहले लौकी बनाती थी और आज जो लौकी बनाती उसमें क्या फ़र्क है। आज से 10 साल पहले जब लौकी हमें मार्केट से मिलती थी तो वो लौकी अगर आप आधा किलो लेते थे और कढ़ाई में काट के डाले भी तो 5 मिनट के अंदर इतनी सी हो जाती थी, ऐसा लगता था जैसे हमने मिक्सी में पीस ली हो। और वही लौकी आज आप डालिए, कढ़ाई में डालिए, इतना डालिए, कुछ असर ही नहीं होगा, क्योंकि कई सारे वीडियो वायरल भी हुए हैं और डिमांड जिस कदर है, पॉपुलेशन जिस कदर बढ़ रही है, उस हिसाब से सप्लाई पूरा करने के लिए किसान क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं। कैसे, इतनी सी लौकी होती है उसको डंटल में इंजेक्शन मारते हैं और सुबह तक लौकी इतनी बड़ी हो जाती है। इसके वीडियो कई सारे वायरल भी हुए, खुद किसान बोलते हैं, क्योंकि उनको जो डिमांड है उसको पूरा करना है, सप्लाई टाइम पर देना है, जिस वजह से वो क्या करते हैं केमिकल के यूज़ कर रहे हैं। फिर बात करते हैं टमाटर, देसी टमाटर और अभी तो विदेशी टमाटर आने लग गए लंबे लंबे, पहले देसी टमाटर गोल चपटे होते हैं और विदेशी टमाटर आने लग गए, ज़्यादातर हम विदेशी टमाटर यूज़ कर रहे हैं और वो सब केमिकली ट्रीटेड होते हैं क्योंकि यहाँ पर तो उगाया नहीं जा रहा, बाहर से इम्पोर्ट किया जा रहा है। अब वही टमाटर आप सब्जी में डालिए, कोई स्वाद नहीं, सलाद में खाने में भी मज़ा नहीं आता, इवन वो जल्दी गलता भी नहीं है। फिर बात करते हैं पालक के बारे में, कई बार न्यूज़ में भी बताया गया है कि जो शहर के आसपास के जो गांव होते हैं, शहर में डिमांड को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं फास्ट ग्रो करवाते हैं और उनके पास पानी ज़्यादा ना होने की वजह से वो क्या करते हैं गटर का पानी इस्तेमाल करते हैं, वही सब खेत में डालते हैं और फिर वही गटर का पानी पालक के माध्यम से हम ले रहे हैं, एक तरीके से जहर खा रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ इन शॉर्ट, जो फल हम खा रहे हैं, जो समय से पहले जिनको पकाया जा रहा है, समय से पहले जिन सब्जियों को ग्रो किया जा रहा है, वही केमिकल वही सब स्लो पॉइजन अगर हमारे शरीर में जाए तो असर तो करेगा ही, हम भी समय से पहले बड़े होने लगेंगे, समय से पहले ग्रो करेंगे, समय से पहले हम बूढ़े होंगे और समय से पहले हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। पहले क्या होता था कि 60-70 साल के बाद झुर्रियाँ आने लगती थी और आजकल देखिए 22-24 साल की उम्र में झुर्री आने लगी, सफ़ेद बाल आने लग रहे हैं। तो यही सब रीज़न है कि जो केमिकल्स है वो हम ले रहे हैं और हमारे में असर। बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, अनसीजनल सब्जी खाना, जैसे कि फूलगोभी, पत्ता गोभी, मटर, बीन्स, ये जितने भी सब्जी है ये सब विंटर सीजन की सब्जी है,
ठीक है, इनको विंटर में ही खाना चाहिए। और अगर आप गांव में जाएंगे तो वहां पर ये सब सब्जी समर में नहीं मिलेंगे, लेकिन छोटे शहर और आजकल बड़े शहरों में सब जगह ये सब सब्जियां 12 महीने अवेलेबल, क्योंकि इनको कोल्ड स्टोर में रखा जाता है और फिर समर सीजन में सप्लाई किया जाता है। तो आप सोचिए, आप एकदम अनफ्रेश्ड खाना खा रहे हैं, ठीक है, और इनमें कोई स्वाद भी नहीं होता, और ऊपर से हम नेचर के अगेंस्ट में जा रहे हैं। जब नेचर के अगेंस्ट में जाएंगे तो शरीर में तो असर करेगा ही, इसलिए आप हमेशा सीजनल सब्जी ही खाएं। थर्ड पॉइंट, पैक्ड फूड। जैसे कि आजकल मॉल्स में जाएंगे तो सब्जियां कटी कटाई मिलेगी, पैक किया हुआ, फिर रेडीमेड सब्जी भी मिलती है, बस आपको खोलना है और कढ़ाई में डालना है, ठीक है, ये हो गए। फिर बात करते हैं कि जूस, फ्रूट जूस। हम क्या करते हैं, एक लीटर के लिए 150 रुपये 100 रुपये बर्बाद कर देते हैं एक फ्रूट जूस के लिए, जबकि उसमें कितना होता है, 20% फ्रूट पल्प। उसमें आप देखिए लिखा रहेगा 12 से 20% फ्रूट पल्प है, और बाकी सब क्या है, यानी कि एक लीटर लगभग एक किलो के बराबर मान लीजिए, तो एक किलो में 20%, मतलब आप सिर्फ 200 ग्राम के लिए 100 से 150 रुपए खर्च कर रहे हैं, और बाकी सब क्या, जहर आपके शरीर में जा रहा है, प्रिजर्वेटिव, कब से वो पैक्ड है, फ्रेश भी नहीं है, कई महीनों से वो पैक्ड रहता है, आप उसको फैशन बना लिया, जबकि 40 से लेके 60 रुपए किलो के जो फ्रूट्स है वो लोग, आप वो सब आप नहीं खाते, आप उसमें पैसा वेस्ट नहीं मानते, क्योंकि हम मॉडर्न ज्यादा हो रहे हैं, हम ज्यादा फैशनेबल मान रहे हैं अपने आपको, जिस चक्कर में हम ये लाइफस्टाइल जो चेंज कर रहे हैं ना, उस वजह से असर हो रहा है। पहले के लोग ये सब इस्तेमाल नहीं करते थे, इसीलिए वो ज्यादा हेल्दी होते थे, जबकि आज हम क्या कर रहे हैं, फ्रूट जूस के नाम पे हम केमिकल पी रहे हैं, ना कि फ्रूट रियल में फ्रूट ले रहे हैं। फिर बात करते हैं नींबू पानी। नींबू पानी को हमने एक फैशन बना लिया कि जो फ्रेश नींबू है उसको हाथ धोने के लिए, खाना खाने के बाद हाथ धोने का फैशन बना लिया होटल में और रेस्टोरेंट में जाके सीख कर, और जबकि क्या होता है, जो पैक्ड जो बोतल में सोडा वोडा मिला के जो देते नींबू, जो कि वो फ्रेश नहीं होता, उसको हमने एक फैशन बना लिया। जैसे कि कई सारे कोल्ड ड्रिंक्स आ रहे जिसमें बोलते हैं नींबू है, नींबू पानी है फ्रेश, कई दिनों का पैक्ड रहता है, वो सब हम पीते, उसको फैशन बना लिए, जबकि उससे उसको बॉयकॉट करना चाहिए और जो असली नींबू है उसको पीना चाहिए, लेकिन हम उसका उल्टा कर रहे हैं, फैशन के चक्कर में हम उसको हाथ धोने में लगा रहे हैं। तो ये सब जो लाइफस्टाइल में चेंजेस कर रहे हैं, ज्यादा मॉडर्नाइजेशन बन रहे हैं, उस वजह से हमारे शरीर में ही असर कर रहा है। फिर बात करते हैं कि कम पानी पीना। कम पानी पीने की वजह से कि ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होता है, फिर बॉडी मेटाबॉलिज्म के लिए पानी तो जरूरी है टॉक्सिक को बाहर निकालने के लिए, लेकिन अक्सर हम पानी पर फोकस ज्यादा नहीं करते, पानी बहुत ही कम पीते हैं। तो प्लीज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तो है ब्लड सर्कुलेशन करवाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि न्यूट्रिशन तो सेकंड फैक्टर है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा बाल तो झड़ेंगे ही, आपके हेल्थ भी सही नहीं रहेगा, डाइजेशन इशू, सब कुछ सब खराब हो जाएगा। इसीलिए प्लीज पानी ज्यादा पीजिए, और अगर आपने ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर वीडियो नहीं देखा है तो ये जो लिंक है प्लीज उसके ऊपर क्लिक कीजिए, आप ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर जान पाएंगे कि कैसे आप ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर सकते हैं स्कैल्प तक। अब बात करते हैं लैक ऑफ न्यूट्रिशंस। आजकल के भागदौड़ वाली जिंदगी के चक्कर में हम क्या करते हैं कि हमारा मॉर्निंग का जो खाना है वो स्किप कर जाते हैं, जबकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मॉर्निंग में खाना खाना। ब्रेकफास्ट मींस व्हाट, कि आप रात को 8-9 बजे खाना खाते हैं, उसके बाद सीधे मॉर्निंग में 8-9 बजे तो लगभग 12 घंटे हो जाता, तो आप 12 घंटे तक नहीं खा रहे, एक तरीके से फास्ट हो गया, उसको हमें ब्रेक करना है। इसलिए ब्रेक करने के लिए हमें क्या है, वो मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट उसको स्किप नहीं करना, जबकि सबसे ज्यादा वैरायटी, जितना ज्यादा वैरायटी हो सके वो मॉर्निंग में ही खाना है, तो हम वो चीज स्किप कर जाते हैं, सही से प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया अनसीजनल सब्जियां खाना, ये सब एक रीजन है कि हमारे बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं, हम जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, डाइजेशन बिगड़ रहा है। अब बात करते हैं 6th पॉइंट, टेंशन। देखिए, ऐसा नहीं कि टेंशन पहले के लोग नहीं लेते थे, पहले के लोग भी टेंशन लेते थे, ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो मैंने फैक्टर्स बताया उसके साथ साथ टेंशन का भी एक असर है, क्योंकि अभी बहुत फास्ट लाइफ हो गई है और सब कंपटीशन वाली जिंदगी जी रहे हैं, इस चक्कर में क्या होता है, सबको आगे बढ़ना है, वही टेंशन के चक्कर में बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं। एक प्रॉपर एग्जांपल अगर मैं दूं तो एक कोई सेलिब्रिटी का जैसे ले लेता हूं, धोनी को देख लीजिए या फिर कोहली को देख लीजिए, जब तक ये कैप्टन नहीं थे तो इनके बाल ब्लैक थे, जैसे ही कैप्टन बन गए उसके 5-6 महीने बाद से सफेद बाल आने लग गए, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको टीम की ज्यादा चिंता है कैसे आगे बढ़ाना है, और ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क उनको करना पड़ता है, ज्यादा सोचना पड़ता है, जिस वजह से क्या होता है कि उनके बाल जल्दी सफेद आने लग गए। 7th पॉइंट, कम सोना। पहले क्या होता था कि ज्यादा नौकरियां नहीं थी, और अभी क्या है कि बिजनेस नौकरियां ज्यादा ऑप्शंस बढ़ गए, जिस वजह से क्या होता है कि कॉम्पिटिशन ज्यादा बढ़ने के चक्कर में हर कोई 24 आवर सर्विस देते हैं, जिस चक्कर में कई लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, कई लोग डे ड्यूटी तो नॉर्मल है लेकिन अनइवन टाइम है, जिस वजह से क्या होता है कि पैसा कमाने के चक्कर में हम कम सोते हैं।
तो यही एक कारण है कि अगर आप आपके शरीर को प्रॉपर रेस्ट नहीं देंगे, सेल जो डैमेज उनको अगर रिपेयरिंग का मौका नहीं देंगे, मेंटली प्रिपेयर नहीं हो रहेंगे, तो क्या होगा, ओवर स्ट्रेस, इनडाइजेशन, जिस वजह से क्या होगा कि आप एक तो चिड़चिड़ा रहेंगे दिन भर, सेकेंड थिंग डाइजेशन सही नहीं रहेगा, तो हेल्थ पर तो असर पड़ेगा, बाल भी झड़ेंगे, अननेसेसरीली वाइट भी होंगे। इसलिए प्लीज कम से कम 6 से 8 घंटा सोइए। फिर बात करते हैं 8 पॉइंट, अननेसेसरीली डाइंग करना। पहले के लोगों को देखा, कभी फोटो या जो रहते थे वो लोग ज्यादा कुछ कलरिंग ये सब करते थे, आजकल तो तरह तरह के वैरायटीज के जेल आने लग गए, फिर कलर, ब्राउन कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, लाल कलर, कितने तरह के कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सब जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिससे हेयर टेक्सचर खराब होने लगता है धीरे धीरे, और फिर डाई करवाने लग गए हम, तो उस चक्कर में क्या होता है कि कितने भी ब्रांड अगर बोल दे कि हम इसमें अमोनिया फ्री है, कुछ भी बोल दे, लेकिन देखिए केमिकल तो केमिकल ही होता है, आप अगर ट्रीट करेंगे नेचुरली, नेचर के खिलाफ जाएंगे, तो वो एक बार आपने इस्तेमाल करना चालू किया तो फिर उसका असर रहता ही रहता है, फिर आपके बाल सफेद ही सफेद रहेंगे। 9 पॉइंट फिर मैं बात करता हूँ, तो ये कि हाईली केमिकल जो ज़्यादातर हम शैम्पू यूज़ करते हैं, उस चक्कर में देखिए शैम्पू आप यूज़ कीजिए लेकिन माइल्ड कीजिए या फिर आयुर्वेदिक, ऐसा नहीं कि उनमें केमिकल्स बिल्कुल भी नहीं है, केमिकल्स है लेकिन कंपेयर टू जो बाकी शैम्पू है उनसे बहुत ही कम केमिकल्स है। अब आपके दादाजी से पूछेंगे तो आपके पापा से पूछिए कि पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग काली मिट्टी यूज़ करते थे सर धोने के लिए, और मिट्टी में तो सारे मिनरल्स, विटामिन जो भी है सब मिट्टी में ही है, तो वही यूज़ करता था, लेकिन आजकल मिट्टी भी अवेलेबल नहीं है, सब पॉल्यूटेड है या फिर सब सीमेंटेड कर दिया है, तो इस चक्कर में मिट्टी अवेलेबल है नहीं, लेकिन आप शैम्पू यूज़ कीजिए, डेली शैम्पू करना ज़रूरी है क्योंकि हेयर एक्सपोज रहता है, हम तो हमारे शरीर को ढक के रखते कपड़े से, लेकिन ये तो टोटली एक्सपोज रहता है, इसको तो हम ढकते नहीं है, तो क्या होता है कि धूल मिट्टी जमने के कारण हमें उसको साफ करना ज़रूरी है, तो शैम्पू यूज़ करना ज़रूरी है, लेकिन माइल्ड शैम्पूज या फिर आयुर्वेदिक शैम्पू यूज़ कीजिए जिनमें कि बहुत ही कम केमिकल्स होते हैं। तो देखिए ये 9 फैक्टर्स है जिन वजह से हमारे जो बाल कम उम्र में सफ़ेद हो रहा है। अभी देखिए सॉल्यूशन क्या है, आपको वो जो 9 पॉइंट्स है उस पर वर्कआउट करना है, आपको सीजनल सब्जी खाना है, आपको देखना है कि कौन से फल किस समय लेना चाहिए, आम आप जून महीने के बाद ही खाइए। फिर बात करते हैं तरबूज कैसे लेना है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे छाटना रहता है, मुझे पता है लौकी कैसे छाटना है, वो उसके ऊपर भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिस वजह से आप समझ पाएंगे किस तरीके लौकी छाटना चाहिए, सब्जी किस तरीके से लेना चाहिए। फिर बात करते हैं, देखिए पहले बालायम इजीली काम कर जाता था लेकिन आजकल ये सब केमिकली ट्रीटेड फूड की वजह से बालायम भी काम नहीं कर रहा, लेकिन प्लीज़ आप ब्लड सर्कुलेशन करते रहिए, आपको फ़ायदा तो मिलेगा ही मिलेगा, और ब्लड सर्कुलेशन कैसे करना है इसके ऊपर मैंने अच्छे से वीडियो बनाया, प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए, ऐसे ही और भी हेयर और हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, वीडियो अगर सही लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वरना आप डिसलाइक कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, उन तक ये मैसेज पहुँचाएंगे। धन्यवाद।